अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद रऊफ और आप लोग देख रहे हैं रूफी टेक। तो आज के अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर मैं आप लोगों को कम्युनिकेशन के रिलेटेड बताने वाला हूँ कि आप लोगों ने अपने क्लाइंट से किस तरह से बातचीत करनी है और उसे सेटिस्फाई किस तरह से करना है कि आप ही हैं जो उसका काम कर सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जितने भी लोग नए हैं मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल पर मेरे इस चैनल के ऊपर, जिन्होंने तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कर दें ताकि आप लोग को ऐसी मजीद वीडियोज मिलती रहें। तो अब तक जो है हम लोगों ने अपने इस फाइवर के कोर्स के अंदर फाइवर क्या है से लेकर फाइवर की गिग किस तरह से क्रिएट करनी है, उसके रिलेटेड टिप्स ट्रिक्स एंड उसके अलावा अगर आप लोग इंग्लिश में बात करने में घबराते हैं, आप लोग इंग्लिश में सही से बात नहीं कर सकते, तो उस मसले का हल भी मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में दे दिया था। तो आज जो है हम लोग कम्युनिकेशन के रिलेटेड बात करेंगे, क्लाइंट से किस तरह से बात करनी है, उसे इत्मीनान में किस तरह से लेना है कि आप उसका काम करने के काबिल हैं। तो चलें हम लोग आज इसी रिलेटेड बात करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना, जब आप लोगों को क्लाइंट का SMS आए तो कोशिश करें उसे 4 से 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर अंदर रिस्पॉन्स दें, चाहे हाय हेलो कुछ भी हो, लेकिन उसे रिस्पॉन्स लाजमी देना है ताकि क्लाइंट को लगे आप लोग ऑनलाइन हैं और उसके काम में इंटरेस्टेड हैं। ऐसा नहीं करना कि क्लाइंट का SMS आए बकौल हिशाम सरवर साहब के आप लोग अपने दोस्तों के साथ चलें, चलो सर मैं आपको ट्रीट देता हूँ, मुझे क्लाइंट का SMS आया, सारा दिन घूमें फिरें ऐश करें, शाम को अगर उसे जवाब दें तो आगे से क्लाइंट ने आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देना, आप लोग अपने क्लाइंट को मिस कर देंगे। तो कोशिश करें कि आप लोग 10 मिनट के अंदर अंदर उसे लाजमी से जवाब दें। अगर लेट भी हो जाते हैं बाद औकात अनफॉर्चुनेटली, तो भी आप लोगों ने घबराना नहीं है, आप लोगों ने लाजमी से जो है उसे फिर भी रिस्पॉन्स देना है। बाद औकात क्लाइंट ऐसे भी होते हैं कि वो आपके जवाब का 3 घंटे 4 घंटे तक भी इंतजार करते हैं, लेकिन ऐसे क्लाइंट 100 में से 1% ही आप लोगों को मिलेंगे, जो कि मेरे साथ हुए। मेरे साथ भी ऐसे हैं क्लाइंट जो मेरे साथ अब भी काम कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट रिस्पॉन्स जो था उनको मेरा बहुत ज़्यादा लेट गया था। तो अब रिस्पॉन्स के रिलेटेड हमारी बात हो गई, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ बातचीत किस तरह स्टार्ट करनी है। अब क्लाइंट जो SMS करते हैं ना मुझे, मैं उनका आप लोगों को बता दूँ, कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो हाई या हेलो लिख के सिर्फ SMS कर देते हैं, कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो लिखते हैं हाई देर आई नीड योर हेल्प, कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी कंप्लीट डिटेल मुझे दे देते हैं कि हमें वेबसाइट चाहिए, उसके अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटीज होनी चाहिए, किस तरह की वेबसाइट चाहिए। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो वर्ड की एक फाइल हमें सेंड कर देते हैं और उसके अंदर उनकी तमाम डिटेल लिखी होती हैं, तो वो हमें कह देते हैं कि आप इन्हें पढ़ें और हमें बताएं कि आप ये काम कर सकते हैं या नहीं। अब क्लाइंट आप लोगों को किसी तरह का SMS करते हैं, चाहे हाई हेलो है या चाहे आप लोगों को वो कंप्लीट डिटेल दे देता है, तो आप लोग कोशिश करें तो पहला SMS है वो उसे यही रिस्पॉन्स दें, हाय देयर थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग मी अबाउट योर प्रोजेक्ट। हाई देयर का जो लफ्ज़ है ये हम हेलो की जगह पर यूज़ करते हैं, और हाई देयर या हाई मेट ये दो लफ्ज़ मैं उस वक्त यूज़ करता था मुझे क्लाइंट का जेंडर बताना हो, क्योंकि बहुत से क्लाइंट ऐसे होते हैं उनके यूज़र नेम इस तरह से लिखे गए होते हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते कि ये मेल है या फीमेल। लाइक एज मेरे से क्लाइंट है उसका नाम है क्रिएटिविटी, अब क्रिएटिविटी लिखा हुआ है आगे कुछ गिनती में हिस्से लिखे हुए हैं यानी कि मैथ में, अब मुझे नहीं पता कि वो उसका जेंडर क्या है, तो जब स्टार्टिंग में मैं रिस्पॉन्स देना हाई मेट या हाई देयर का लफ्ज़ यूज़ करना है, आप लोग भी इसी तरह का लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग मी अबाउट योर प्रोजेक्ट ये लिखने के बाद उसे दूसरा SMS कर दें, लेट मी चेक, अगर उसने आप लोगों को डिटेल दे रखी है ठीक है ना, या फिर उसे कह दें कि लेट मी चेक योर रिक्वायरमेंट्स, उसने अगर आप लोगों को वर्ड फाइल दे रखी है या उसने आप लोगों को डिटेल सेंड कर रखी है, देन आप लोगों ने ये उसे रिस्पॉन्स दे देना है। उसके अलावा अगर हाई हेलो का है देन आप लोगों ने पूछ लेना है हाउ मे आई हेल्प यू। तो इस तरह से एक सवाल लाजमी से उसे करें या उसे रिस्पॉन्स लाजमी से आप लोग दें, और कोशिश करें उसकी जो डिटेल है आप लोग जल्द से जल्द पढ़ कर उसे उसका जवाब दें। और इसके बाद जब आप लोगों के क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है, बातचीत स्टार्ट होता है, तो कोशिश करें उससे कम से कम वो टू द पॉइंट सवाल पूछें, 2 से 3 सवालों से ऊपर ना जाएं तो बेहतर है। क्योंकि मेरे साथ क्या होता था कि जब क्लाइंट SMS आता था, मैं स्टार्टअप में जो है थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता था कि यार इसे क्या चीज़ चाहिए, क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा सवाल करने लग जाता था, और क्या होता था कि क्लाइंट भाग जाता था कि यार ये बंदा मुझे कन्फ्यूज़ कर रहा है, इस बंदे को खुद ही कुछ नहीं पता। तो कोशिश करें कम से कम सवाल पूछें, और उसके रिलेटेड मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप एक वर्डप्रेस डेवलपर हैं, आप लोगों के पास एक क्लाइंट आया है ठीक है ना, उन्होंने हाई या हेलो लिखा है, अपनी डिटेल दे दी, और अगर आप लोगों को उसका नीड पता नहीं चल रहा या फिर आप लोगों को उसका लिंक चाहिए वेबसाइट का, तो उससे लिंक मांगे ठीक है ना, उसका लिंक वगैरह चेक करें, उसकी ओल्ड वेबसाइट चेक करें कि वो कैसी है, अगर उसे रीडिज़ाइन करना है या उसके अलावा भी उसकी वेबसाइट चेक करना चाहते हैं, उसका थीम चेक करना चाहते हैं, उससे सिर्फ उन्हीं के लिंक वगैरह मांगे, और कोशिश करें हर 2 दिन SMS के बाद उसे ये मैसेज करते रहें आई एम इंटरेस्टेड इन योर जॉब। तो इससे क्या होता है क्लाइंट को लगता है कि ये बंदा सीरियस ले रहा है मेरे काम को, 3 4 सवाल पूछें और उन्हीं के अंदर अपने तमाम कन्फ्यूजन क्लियर करें, और उससे आगे की तरफ ये SMS कर देना है हाई देयर आई एम इंटरेस्टेड इन योर जॉब, और कोशिश करें कि जल्द से जल्द क्लाइंट को रिस्पॉन्स जाना चाहिए आप लोगों का, इसमें आप लोगों ने लेट नहीं होना,
और ज्यादा सवाल भी क्लाइंट से नहीं पूछने, उसे कंफ्यूज नहीं करना कि वो आप लोगों को छोड़कर आगे की तरफ बढ़ जाए। क्योंकि याद रखें फाइवर भी एक मार्केट प्लेस है, जिस तरह से हमारी मार्केट्स होती हैं। हम लोग अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, शॉपिंग करने के लिए कहीं जाते हैं, दुकान के ऊपर जाते हैं, दुकानदार वहां पर मौजूद है और उससे जो हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं, उसे एक रेट वगैरह पूछते हैं और वो आराम से बैठा रहता है और हमें रिस्पॉन्स नहीं देता, हम क्या करते हैं छोड़कर आगे की दुकान की तरफ बढ़ जाते हैं। सेम यही चीज़ फाइबर पर है, आप लोग ने इस चीज़ का ध्यान रखना, कोशिश करें जल्द से जल्द जवाब दें। और मैं अब आप लोगों को बता देता हूँ मैं अपने क्लाइंट्स को किस तरह ट्रीट करता हूँ, किस तरह से उन्हें जल्दी जवाब देता हूँ। अब मेरे पास मेरा मोबाइल है जिस पर इस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, उसके अलावा मेरा लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर मेरा अकाउंट 24/7 चलता रहता है, और उसके अलावा मेरे मोबाइल पर भी इसी तरह से है। जब मैं कॉलेज चला जाता हूँ या कहीं बाहर जाता हूँ तो मेरा हर वक्त डाटा कनेक्शन ऑन रहता है, इंटरनेट मोबाइल पर ऑन रहता है। और फाइबर को जो है मैं अपना अकाउंट मैंने फाइबर के ऐप के अंदर लॉगिन कर रखा है, उसे मैं ओपन करके अपने मोबाइल को लॉक कर देता हूँ। इससे क्या है कि मेरा अकाउंट 24/7 ऑनलाइन शो रहता है, और उसके अलावा जब भी कोई मैसेज आता है मुझे फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाती है और मैं उसे चेक करके अपने क्लाइंट्स को रिस्पॉन्स दे देता हूँ। इस तरह से मैं इजीली उन्हें रिस्पॉन्स दे पाता हूँ, और मेरे क्लाइंट्स जो हैं वो 99% क्लाइंट्स मेरे पास जो मुझे SMS करते हैं वो मुझसे लाजमी काम करवा कर जाते हैं। यही वजह है कि मैं ऑनलाइन रहता हूँ और जल्दी रिस्पॉन्स देता हूँ, कम से कम उनसे सवाल पूछने के बाद उनके काम को जो है, उनके प्रोजेक्ट को जो है उनसे ले लेता हूँ। और आप लोगों ने भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके अलावा बात आ जाती है मेन ऑफ बजट के ऊपर, तो बजट की ये कोशिश करें कि आप खुद क्लाइंट को बजट बताने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत से क्लाइंट ऐसे होते हैं वो आप लोगों को अपना बजट नहीं बताते, वो आप लोगों से पूछते हैं हाउ मच, ठीक है ना। उन्होंने आप लोगों को ये दो लफ्ज ही लिखने हैं, हाउ मच, इसका मतलब ये भी है कि आप अपना बजट बताएं कि आप कितने काम के अंदर मुझे ये जो मेरे प्रोजेक्ट है कंप्लीट करके देंगे, और उसके अलावा टाइमिंग भी बताएं कि आप लोगों को टाइम कितना लगेगा। टाइम आप लोगों ने डिसाइड करना है काम के रिलेटेड के काम कितना ज़्यादा है, और बजट आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आप लोगों का कितना उस पर खर्चा आ रहा है। खर्च किस तरह से अब आप लोगों का आता है, आप लोगों का बिजली का बिल हो गया, लैपटॉप या जो भी मशीन यूज़ कर रहे हैं फिर उसने भी यूज़ होना है, उसके अलावा आप लोगों ने अपना दिमाग भी खर्च करना है, अपना टाइम भी लगाना है। तो अपने इस टाइम को अपनी तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपना बजट क्लाइंट को बताना है आप लोगों ने। तो ये कुछ बातें थी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी तो शेयर कर दी हैं। अगर मैं बाई चांस कोई चीज़ मुझसे रह भी जाएगी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप लोग लाजमी से मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या उसके अलावा DM कर सकते हैं। जिन लोगों ने अब तक गिग्स बना ली हैं वो अपने गिग्स के लिंक मुझे व्हाट्सअप पर या मेरे इंस्टाग्राम पर सेंड करें। व्हाट्सअप का जो मेरा नंबर है बहुत से मेरे दोस्त हैं, मेरे बहुत से सब्सक्राइबर हैं जिनके पास है, और काफ़ी सारे लोगों पर नहीं है, तो वो मुझे इंस्टाग्राम पर अपने गिग के लाजमी से लिंक सेंड करें, मैं उनके गिग्स रिव्यू करूंगा। और अगर उनमें कोई प्रॉब्लम हुई, कोई चेंजिंग करना हुई या कोई अपडेट्स वगैरह आप लोग कर सकें जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो, मैं आप लोगों को उसके बारे में लाजमी से गाइड करूंगा। तो चलें मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपने काम को जारी रखना है, बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना, अपने काम की तरफ तवज्जो रखें, और किसी की बातों में नहीं आना, किसी की बात सुनकर अपने काम को छोड़ना नहीं है। और इस काम को अगर पार्ट टाइम स्टार्ट करें इंशाल्लाह एक दिन आएगा आप लोग इसे फुल टाइम कर रहे होंगे। तो चलें मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दुआ में याद रखना है, ढेर सारा ख्याल रखना है, काम को जारी रखना है, मेहनत करते रहें, अल्लाह आपको आपकी मेहनत का अजर ज़रूर देगा। अल्लाह हाफिज़।